नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक छोटी कंपनी के बारे में, और इसके बारे में मैंने आप सभी के साथ आई थिंक 20 अप्रैल को बात करी थी, जब मैंने कहा था कि 26 अप्रैल को बड़ा धमाका होगा। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है बोनस और स्टॉक स्प्लिट को लेकर। तो कंपनी की आज बोर्ड मीटिंग थी और कंपनी की बोर्ड मीटिंग में जो अनाउंसमेंट आई है वो आई है बहुत ही ज्यादा शानदार। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करें अगर स्टॉक का नाम, तो हार्डविन इंडिया लिमिटेड स्टॉक का नाम है। अगर इस स्टॉक की बात करूं तो 350 रुपीज के लेवल पे स्टॉक आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, लगभग 2 रुपए बढ़कर स्टॉक बंद हुआ है। 92,000 वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं आज के सेशन में, एवरेज वॉल्यूम 45,000 शेयर्स का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 365 का, यानी कि ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। मैंने इस स्टॉक के बारे में जब फर्स्ट टाइम बात करी थी तो 300 के भाव पे था ये स्टॉक। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल और केवल आपकी जनरल नॉलेज के लिए वीडियो है। कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले मैं आपको बता दूं, एक साल में इस स्टॉक ने 170% के रिटर्न्स दिए हैं। दो साल की बात करें तो लगभग 338% के रिटर्न्स हैं, मतलब कि ओवरऑल स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स देते हुए दिखा है। अभी रिसेंटली आया 2022 के अप्रैल में, वहां से अभी तक ऑलमोस्ट 300% के रिटर्न्स दे चुका है। तो कंपनी ने करी है दो अनाउंसमेंट, पहली स्टॉक स्प्लिट और दूसरी बोनस, दोनों ही कंपनी ने इश्यू कर दिया है। बट यहां शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लगना है, और ये अप्रूवल मैक्सिमम 99.9% चांस होते हैं शेयर होल्डर्स अप्रूवल दे देते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो चाहते ही हैं कि बोनस हो, स्प्लिट हो, शेयर डिविडेंड दे बड़ा बड़ा, तो वो अप्रूवल दे देंगे। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा वैसे ही कोई रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट अभी कोई रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट नहीं आई है। बट कंपनी ने इतना जरूर करा है कि जिस दिन अनाउंसमेंट हुई है उसके अगले 2 महीने के अंदर अंदर रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट आ जाएगी। यानी कि आप मान के चलिए अभी अप्रैल है, जून, अप्रैल, मई, जून, जून के अंदर अंदर आपके लिए रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट भी आते हुए दिखेगी। सबसे पहले कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा है वो करा है 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू में आ जाएगा शेयर, यानी कि 10:1 के रेशो में। आप समझ लिए, मान के चलो आपके पास आज के सेशन में एक शेयर है तो आपके 10 शेयर हो जाएंगे स्टॉक स्प्लिट के द्वारा। वहीं कंपनी ने बोनस भी इशू करा है, बोनस कराए 3:1 के रेशो में, यानी कि 1:3 के रेशो में, यानी कि अगर आपके पास 3 शेयर्स हैं तो आपको एक एज अ बोनस मिलेगा। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मान के चलो आपने कंपनी का एक शेयर ले रखा है, 350 रुपए की इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो एक के बदले पहले आपके 10 शेयर्स हो जाएंगे स्टॉक स्प्लिट के द्वारा। अब उन 10 शेयर्स में से 3 के बदले एक है तो ऑलमोस्ट 9 शेयर्स के सामने 3 और मिल जाएंगे, तो एक के बदले टोटल 13 शेयर्स हो गए आपके, और जो एक शेयर एक्स्ट्रा था उसका बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपके पैसे क्रेडिट होंगे, क्योंकि जब तक 3 के मल्टीपल्स में नहीं होगा वो, तो 3 के बदले एक बोनस शेयर नहीं मिलेगा। जो बचा हुआ शेयर रह जाएगा वो आपके डायरेक्टली पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब आते हैं नॉलेज के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी बोनस या स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है, दैट डजंट मीन कि वो आपको फ्री में शेयर्स बांट रही है या फिर आपका मुनाफा कर रही है। जिस रेशो में शेयर्स आपके बढ़ेंगे उसी रेशो में स्टॉक का प्राइस घट जाएगा। ये केवल और केवल इसलिए होता है ताकि स्टॉक को अफोर्डेबल बनाया जा सके, लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, 2000 का एक नोट हो तो भी उसकी वैल्यू 2000 है, 200 के 10 नोट हो तो भी उसकी वैल्यू 2000 है, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, फाइनेंशियल बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं। तो ये कंपनी की तरफ से आज अनाउंसमेंट आती हुई दिखी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। होप आपको ये जानकारी पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।